Hello student, again welcome in the Chemistry Plus Academy. Yesterday we discussed about the topic of the vapor pressure and we discussed about the two type of solution, just like liquid-liquid solution and solid-liquid solution. Okay, तो वहाँ हमने एक इम्पॉर्टेंट टर्म डिस्कस किया था, राउल्ट लॉ. अकॉर्डिंग टू राउल्ट लॉ, द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इट्स मोल फ्रैक्शन. तो इस मोल फ्रैक्शन से, और साथ में हमने क्या किया था, प्योर जो सॉल्वेंट के, प्योर सॉल्यूट के वेपर प्रेशर से हमने कंप्लीट जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कैलकुलेट किया था. तो पहले हमने क्या किया था कि ईच कंपोनेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर कैलकुलेट किया, उसके बाद में कंप्लीट सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कैलकुलेट किया था. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द टॉपिक अबाउट द आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन एंड सेकंड टॉपिक विल बी एजियोट्रॉप्स. ओके, यहाँ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, जो हमने कल राउल्ट लॉ को डिस्कस किया था, उसी को लिंक करके हम आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन टॉपिक को डिस्कस करेंगे. ओके, नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट दिस टॉपिक. ओके, अकॉर्डिंग टू राउल्ट लॉ, ऑन द बेसिस ऑफ राउल्ट लॉ, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन आर ऑफ द टू टाइप. अब देखिएगा, हम बात करें यहाँ पर लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन. ओके, तो हमने कल डिस्कस किए थे टू टाइप के सॉल्यूशन, बट हेयर द लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन आर ऑफ टू टाइप, आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन. ओके, द सॉल्यूशन विच फॉलो राउल्ट लॉ आर कॉल्ड एज द आइडियल सॉल्यूशन एंड द सॉल्यूशन विच डोंट फॉलो राउल्ट लॉ आर कॉल्ड एज द नॉन आइडियल सॉल्यूशन. ओके, वहां हमने कल डिस्कस किया था लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन के लिए पी टोटल, पी टोटल मीन्स टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट पी एक्स पी, मीन्स जो ईच कॉम्पोनेंट था उसका हमने पार्शियल वेपर प्रेशर कैलकुलेट किया था, उन दोनों का सम किया था, उन दोनों को ऐड किया था, इससे टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन हमने कैलकुलेट किया था. यदि ये वैल्यू इक्वल है, इक्वल है, दैट मीन्स दिस इज द आइडियल सॉल्यूशन. ओके, अब देखिए, इन केस ऑफ द नॉन आइडियल सॉल्यूशन दिस वैल्यू इज नॉट इक्वल. ओके, मीन्स पी टी इज नॉट इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है, इट मीन्स दैट इज द नॉन आइडियल सॉल्यूशन. ओके, तो राउल्ट के लॉ से हमने इसको गेन किया था, ये इक्वेशन आ रही है तो आइडियल सॉल्यूशन है, और यदि ये इक्वेशन इस टाइप का हो रहा है, इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल है, दैट मीन्स नॉन आइडियल सॉल्यूशन. ओके, नाउ वी विल डिस्कस द नॉन डिस्कस द आइडियल सॉल्यूशन इन द डिटेल में. ओके, द सॉल्यूशन इन विच ईच कंपोनेंट ऑब्वेज द राउल्ट लॉ अंडर ऑल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन, मीन्स टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन के सभी रेंज में, यदि कोई भी सॉल्यूशन में हर एक कंपोनेंट राउल्ट लॉ को ओबे करेगा, इट मीन्स दैट इज द आइडियल सॉल्यूशन. इट मीन जो सारे इक्वेशन कल हमने राउल्ट लॉ में डिस्कस किया था, सारे के सारे इक्वेशन यदि इस सॉल्यूशन के अंदर कंप्लीट फुलफिल हो रही है, मीन्स दैट इज द आइडियल सॉल्यूशन. ओके, अब देखिए, जब भी हम सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं तो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट को मिक्स किया जाता है. ओके, अब यदि आपने सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट को मिक्स किया, देयर विल बी नो चेंज इन द वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग, मीन्स मिक्स करने से आप में कोई चेंज नहीं आया इसके अंदर, ना वॉल्यूम में हुआ ना एंथैल्पी में हुआ, तो इट मीन्स दैट वी मिक्सिंग इज इक्वल टू जीरो, इट मीन्स दिस शो आइडियल कंडीशन. ओके, देयर विल बी नो चेंज इन द एंथैल्पी ऑन मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, यदि आपने सॉल्यूट को सॉल्वेंट को मिक्स किया और एंथैल्पी में कोई चेंज नहीं आ रहा है, इट मीन्स दैट इज द आइडियल सॉल्यूशन. तो फॉर आइडियल सॉल्यूशन डेल वी मिक्सिंग इज इक्वल टू जीरो एंड डेल एच मिक्सिंग इज इक्वल टू जीरो, ना तो कोई हीट इवॉल्व होगी ना ही कोई हीट एब्जॉर्ब होगी, जो हीट मिक्स करने से पहले थी वो हीट क्या होती है, सॉल्यूशन बनने के बाद होती है. ओके, अब देखिए, हम बात करते हैं सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन की. जैसे कि आपने एक कंटेनर लेके सॉल्यूशन प्रिपेयर किया. ओके, दिस इज द ए, दिस इज द बी, ए इज द सॉल्यूट एंड बी इज द सॉल्वेंट. अब मिक्स करने से पहले क्या होगा, प्योर ए ए के बीच इंटरेक्शन होंगे, प्योर बी में क्या होंगे, बी बी इंटरेक्शन होंगे, मीन्स सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट में कुछ इंटरेक्शन होंगे. अब आपने मिक्स किया, मिक्स करने के बाद क्या होगा, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट में ए बी इंटरेक्शन हुई. यदि ए बी इंटरेक्शन इज इक्वल टू प्योर ए ए एंड प्योर बी बी इंटरेक्शन, देन इट मीन्स इट इज द आइडियल सॉल्यूशन.
ओके तो इक्वेशन जो इक्वेशन था आइडियल सॉल्यूशन के लिए वो क्या था, पीटी इज इक्वल टू पीए प्लस पीबी. व्हाट इज द पीए, पीए इज इक्वल टू पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए. व्हाट इज द पीबी, पीबी इज इक्वल टू पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट बी. दैट मींस पीटी इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी. तो पी नॉट ए एंड पी नॉट बी दैट इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट. ओके, जब इसमें प्योर थी सॉल्यूशन नहीं बना था, सॉल्यूशन बनाने से पहले का प्रेशर था, दैट इज द कांस्टेंट वैल्यू. ओके, नाउ एग्जांपल, फर्स्ट इज द बेंजीन प्लस टॉलवीन, सेकंड इज द नॉर्मल हेक्सेन नॉर्मल हेप्टेन, थर्ड इज द इथाइल ब्रोमाइड इथाइल क्लोराइड, फोर्थ क्लोरो बेंजीन एंड ब्रोमो बेंजीन. यहां देखिएगा जितने भी आप एग्जांपल्स दिख रहे हैं उन सब का स्ट्रक्चर अप्रोक्स सेम है. ओके, और साथ में इसकी पोलैरिटी देखिएगा वो भी अप्रोक्स क्या सेम है. ओके, तो यदि आपको आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल को लर्न करने हैं तो उसका एक ही तरीका है, यदि दोनों कंपाउंड सेम टाइप के स्ट्रक्चर वाले हो और दोनों के सेम टाइप की पोलैरिटी हो, इट मीन्स दैट विल फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन. ओके, तो इस टाइप से आप एग्जाम्पल को लर्न कर सकते हैं. अब देखिए ग्राफ को, कल हमने राउल्ट लॉ डिस्कस किया था, मींस हमारे लास्ट वीडियो में हमने राउल्ट लॉ को डिस्कस किया था, उसमें हमने ग्राफ इजीली इसको एक्सप्लेन किया था और आपने समझ में भी आ गया होगा. अब देखिए यहाँ जो ग्राफ है दैट इज द वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच है. मोल फ्रैक्शन मीन्स एक्स. ओके, यहाँ हम दो कॉम्पोनेंट ले रहे हैं सोल्यूशन में ए एंड बी. अब देखिए स्टार्टिंग में दिस इज द एक्स इज इक्वल टू 1 एक्स बी इज इक्वल टू 0. वी नो दैट यदि किसी सॉल्यूशन के अंदर कितने भी कंपोनेंट हो उन कंपोनेंट का जो हम मोल फ्रैक्शन का सम करते हैं तो इज इक्वल टू 1, इसका वैल्यू हमेशा 1 होगा. यहाँ हमने एक्स इज इक्वल टू 1 किया तो मीन्स आपको पता है एक्स बी का वैल्यू हो जाएगा 0. तो एक्स बी का वैल्यू 0 का मीन्स क्या हुआ, यहाँ पर कंपोनेंट बी अवेलेबल नहीं है, ओनली कंपोनेंट ए यहाँ पर क्या है अवेलेबल है. अब इसका मीन्स क्या हुआ, जो अपने इक्वेशन था पी टोटल इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, यहाँ पर बी अवेलेबल नहीं है, मीन्स पी बी इज इक्वल टू 0, देन पी टोटल इज इक्वल टू पी ए. और आपको पता हुआ पी ए का वैल्यू होता है पी नॉट ए एक्स ए, एक्स इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स पी टी इज इक्वल टू पी नॉट ए, मीन्स टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू पी नॉट ए. दिस इज द पी नॉट ए, ये हाइस्ट वैल्यू होगा. अब देखिए हम इस ग्राफ में लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं, लेफ्ट टू राइट. ओके, एक्स ए का वैल्यू धीरे 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 डिक्रीज होते होते 0 तक पहुंच जाता है, एक्स बी का वैल्यू यहाँ पर इंक्रीज होते होते 1 तक पहुंच जाता है. जब ये ग्राफ यहाँ पहुंचता है तो यहाँ पर एक्स ए का वैल्यू 0 एक्स बी का वैल्यू 1, मीन्स यहाँ पर ए एबसेंट ओनली प्योर कॉम्पोनेंट बी हो जाएगा. आपको पता है जस्ट लाइक दिस हम बात करते हैं, इस कंडीशन में पी टोटल इज इक्वल टू ओनली हो जाएगा पी बी, और पी बी का वैल्यू होता है पी नॉट बी एक्स बी, एक्स बी यहाँ पर 1 है, इट मीन्स पी टोटल इज इक्वल टू ओनली पी नॉट बी. तो इस टाइप से हम इसको डिस्कस कर सकते हैं. ओके, अब देखिए यहाँ पर हमने कहा पी बी इज द पी टोटल मीन्स ओनली प्योर कंपोनेंट बी है, दिस इज फॉर द कंप्लीट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन पी टी, दिस इज फॉर पी ए, दिस इज फॉर पी बी, दिस इज फॉर कंप्लीट वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन. ये हमने ग्राफ को डिस्कस किया है वेपर प्रेशर एंड द मोल फ्रैक्शन कर्व. नाउ कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देखिएगा, प्रैक्टिकली नो सॉल्यूशन इज आइडियल व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इज वेरी लो द सॉल्यूशन बिहेव्स आइडियली. देखिएगा हम जनरली हम बात करें प्रैक्टिकली कोई भी सॉल्यूशन आइडियल नहीं होता है. क्यों नहीं होता है, क्योंकि जब हम सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं तो वेंग में सॉल्यूशन प्रिपेयर करने के टेक्निक में कुछ ना कुछ मिस्टेक हो जाती है, तो उस कंडीशन में हम सॉल्यूशन को एग्जैक्ट आइडियल प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं. और जनरली वेरी वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन मीन्स जहां पर कंसंट्रेशन सॉल्यूट का बहुत ही कम होना चाहिए, वो आइडियल सॉल्यूशन की तरह बिहेव कर सकते हैं स्पेशल कंडीशन में. ओके, सब्सटेंसेस हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर्स एंड पोलैरिटी फॉर्म
नियरली आइडियल सॉल्यूशन। अभी हमने थोड़ी देर पहले एग्जांपल डिस्कस किए थे आइडियल सॉल्यूशन के, वहां हमने डिस्कस किया था यदि सॉल्यूशन के अंदर जो कंपोनेंट है उन कंपोनेंट का स्ट्रक्चर अप्रोक्स सेम है तथा साथ में पॉलिटी भी इसकी क्या सेम है, दैट मीन्स दैट विल क्रिएट आइडियल सॉल्यूशन। ओके, इसी तरह से हमने आइडियल सॉल्यूशन को डिस्कस किया है, अब हम डिस्कस करेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ओके, इट इज जस्ट रिवर्स ऑफ द आइडियल सॉल्यूशन। ओके, द सॉल्यूशन विच डोंट ओबे राउल्ट रूल अंडर ऑल द टेम्परेचर एंड कंसेंट्रेशन रेंज आर कोल्ड इज नॉन आइडियल सॉल्यूशन। मीन्स सभी टाइप के टेम्परेचर, सभी टाइप की कंसेंट्रेशन पर ये राउल्ट लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, राउल्ट लॉ को ओबे नहीं करते हैं, दैट मीन्स नॉन आइडियल सॉल्यूशन की तरह बिहेव करेंगे। अब देखिए आइडियल सॉल्यूशन में हमने कहा था कि यहाँ जो इक्वेशन बन रही थी वो राउल्ट लॉ के अकॉर्डिंग बन रही थी। यहाँ पर देखिए पी ए इज नॉट इक्वल टू पी नॉट एक्स है, जस्ट लाइक पी वी इज नॉट इक्वल टू पी नॉट पी एक्स भी। इट मीन्स पी टी इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट पी एक्स भी। तो यहाँ पर इक्वेशन जो है राउल्ट लॉ के अकॉर्डिंग नहीं होती है, दैट मीन्स नॉन आइडियल सोल्यूशन। राउल्ट लॉ में हमने डिस्कस किया था प्रेशर के बारे में, इस टाइप से हमने आइडियल सोल्यूशन लिए थे, उसमें क्या देखा था डेल वी मिक्सिंग डेल एच मिक्सिंग, मीन्स देर विल बी नो चेंज इन द वॉल्यूम, देर विल बी नो चेंज इन द एंथैल्पी। तो यहाँ पर क्या होता है चेंज होता है, मीन्स डेल वी मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू जीरो, डेल एच मिक्सिंग इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू जीरो। मीन्स यहाँ पर सोल्यूशन प्रिपेयर करने पर वॉल्यूम में और एंथैल्पी में डिफरेंस आ जाता है। अब बात कर रहे हैं वेपर प्रेशर की, तो वेपर प्रेशर ऑफ दिस सॉल्यूशन आइदर हायर और लोअर देन प्रेडिक्टेड बाय द राउल्ट लॉ। ओके, तो राउल्ट लॉ से जो वेपर प्रेशर मिल रहा था उसके कंपैरिजन में यहाँ पर जो वेपर प्रेशर होगा सॉल्यूशन का वो या तो ज़्यादा होगा या फिर क्या होगा कम होगा। इसे हम कहते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब इसको हम कैटेगराइज करते हैं दो टाइप में, इसका मतलब ये राउल्ट लॉ को फॉलो नहीं कर रहे हैं, इट मीन्स राउल्ट लॉ से क्या होगा डेविशन शो करेंगे, और डेविशन में क्या होगा दो टाइप की वैल्यू होगी, एक तो राउल्ट लॉ से कंपैरिजन में कम होगी, एक राउल्ट लॉ के कंपैरिजन में क्या होगी ज़्यादा होगी। तो मीन्स दो टाइप की डेविशन, पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन। नाउ नॉन आइडियल सॉल्यूशन आर ऑफ टू टाइप्स, नॉन आइडियल सॉल्यूशन सॉल्विंग द पॉजिटिव डेविएशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन सॉल्विंग द नेगेटिव डेविएशन। इस डायग्राम को आप ध्यान से देखिए, इस डायग्राम में ये जो है बीकर इसमें है आइडियल सॉल्यूशन। ओके, यहाँ पर क्या है ए ए इंटरेक्शन क्या है और बी बी इंटरेक्शन है और ए बी इंटरेक्शन है, जो ए बी इंटरेक्शन है ना वो इनके इक्वल है। अब यहाँ पर एंथैल्पी में वॉल्यूम में कोई चेंज भी नहीं है बिकॉज दिस इज आइडियल मिक्सचर। अब यहाँ से दो कैटेगराइज कर रहे हैं, फर्स्ट इज दिस वीक ए बी इंटरेक्शन, मीन्स तो ए बी इंटरेक्शन जो है प्योर ए ए एंड प्योर बी बी की कंपेरिजन में कम है। जब इंटरेक्शन कम होगा डिस्टेंस क्या होगा ज़्यादा होगा, किसमें सोल्यूट एंड सॉल्वेंट के बीच, तो क्या होगा वेपर बनाने की टेंडेंसी क्या होगी ज़्यादा होगी। और जब वेपर बनाने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है उस कंडीशन में वेपर प्रेशर भी क्या होगा ज़्यादा होगा। मीन्स जो राउल्ट के लो से वेपर प्रेशर को हम कैलकुलेट कर रहे थे, यहाँ वेपर प्रेशर का वैल्यू राउल्ट के लो के वेपर प्रेशर से ज्यादा होगा, हायर होगा, मीन्स पॉजिटिव डेविएशन। ओके, हियर ऑल्सो डेल एच मिक्सिंग ग्रेटर देन जीरो मीन्स पॉजिटिव डेविएशन। नाउ सेकेंड थिंग स्ट्रॉन्ग ए बी इंटरेक्शन, मीन्स यहाँ पे जो ए बी इंटरेक्शन है वहां जो होगा वो प्योर स्टेट में ए ए प्योर स्टेट में बी बी की कंपेरिजन में क्या होगा ज्यादा होगा। मीन्स ए और बी स्ट्रांगली अट्रैक्ट होंगे तो यहाँ पे डिस्टेंस बहुत ही कम होगी, अट्रैक्शन ज्यादा होगा, तो वेपर का फॉर्मेशन क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। और जब वेपर का फॉर्मेशन कम होता है इट मीन्स वेपर प्रेशर का वैल्यू कम होगा, इट मीन्स वो राउल्ट लॉ से जो आपने कैलकुलेट किया था वेपर प्रेशर उसके कंपैरिजन में यहाँ वेपर प्रेशर का वैल्यू कम हो जाएगा, मीन्स नेगेटिव डेविएशन। हियर डेल एक्स मिक्सिंग इज ऑल्सो लेस देन जीरो। ओके, नाउ नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोविंग पॉजिटिव डेविएशन। ओके, when vapor pressure of solution is higher than that predicted by the Raoult's law then it shows positive deviation। okay, Raoult ke law se jyada value aa raha hai vapor pressure ka,
मीन्स यहाँ पर पॉजिटिव डेविएशन होगा। और आपको पता होगा यहाँ पर जो वॉल्यूम में भी चेंज आएगा, एंथैल्पी में भी चेंज आएगा मिक्सिंग करेंगे तब। हेयर डेल वी मिक्सिंग इज इक्वल टू पॉजिटिव, डेल एक्स मिक्सिंग इज इक्वल टू पॉजिटिव, पी ए इज ग्रेटर देन पी नॉट ए एक्स, पी बी ग्रेटर देन पी नॉट बी एक्स पी, पी टी इज ऑल्सो ग्रेटर देन पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। जब हमने आइडियल सोल्यूशन को डिस्कस किया था, ये वैल्यू इक्वल थी। यहाँ बात करें पॉजिटिव डेविएशन, मीन्स वेपर प्रेशर का वैल्यू हाइस्ट हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, हायर हो रहा है, तो मीन्स ये वैल्यू इस कंपेरिजन में क्या होगी, ज्यादा होगी। ओके, अब देखिए यहाँ जैसे कि हम बात कर रहे हैं सोल्यूशन की, ए बी यहाँ पे दो कंपोनेंट है, वेपर प्रेशर का वैल्यू हायर हो रहा है। हायर कब होगा, जब ए बी में जो इंटरेक्शन क्या होंगी, कम होगा, वीक होगा, इट मीन्स तभी तो इसमें डिस्टेंस बढ़ेगी, तभी तो वेपर ज्यादा बनेगी ना। द सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन आर वीकर देन प्योर सोल्यूट सोल्यूट एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, देयर फॉर सोल्यूट एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल कैन इजिली एस्केप रिजल्टिंग इंक्रीज इन द वेपर प्रेशर। मीन्स यदि सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के बीच इंटरेक्शन वीकर होगा तो क्या होगा, यहाँ पर वेपर बनने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, जिससे वेपर प्रेशर का वैल्यू भी क्या होगा, ज्यादा होगा। ओके, नाउ एग्जांपल्स। अब देखिए अभी हमने डिस्कस किया था कि सोल्यूट एंड सोल्वेंट के बीच इंटरेक्शन वीक होना चाहिए, तो यहाँ पर दो ऐसे लिक्विड कॉम्पोनेंट को मिक्स करेंगे जहां पर इंटरेक्शन क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, ना तो कोई हाइड्रोजन बॉन्ड हो, ना कोई वंडरवॉल फोर्सेस वगैरह हो, तो किसी टाइप का इंटरेक्शन नहीं होना चाहिए। जस्ट लाइक एसीटोन प्लस CH2, एसीटोन प्लस बेंजीन, इथाइल एल्कोहल प्लस वाटर, कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस टोलुइन, इथाइल एल्कोहल प्लस एसीटोन। ओके, अब एक ग्राफ को देखिएगा। अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था जो ग्राफ था आइडियल सोल्यूशन के लिए, नाउ दिस इज फॉर द नॉन आइडियल सोल्यूशन शोविंग द पॉजिटिव डेविएशन। अब इसमें डिफरेंस क्या, देखिए ये जो डॉटेड लाइन वाला ग्राफ है ना, वो शो कर रहा है आइडियल सॉल्यूशन के लिए। ओके, जो सॉलिड लाइन वाला ग्राफ है, दैट इज फॉर द पॉजिटिव डेविएशन के लिए शो कर रहा है। ओके, क्लियर है। अब देखिए यहाँ वेपर प्रेशर का वैल्यू स्लाइटली हायर है देन द आइडियल सॉल्यूशन, और बाकी ग्राफ सेम है, एक्स ए एक्स ए एक्स बी एक्स बी, जो मैंने डिस्कस किया था कंप्लीटली सेम, ओनली थोड़ा सा स्लाइटली हायर हो गया वेपर प्रेशर। ओके, नाउ नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोविंग नेगेटिव डेविएशन। ओके, व्हेन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज लोअर देन दैट प्रेडिक्टेड बाय द राउल्ट लॉ, देन इट शोज नेगेटिव डेविएशन। ओके, यहां हम क्या बात करें, जब राउल्ट लॉ इक्वेशन से हमने जो वेपर प्रेशर कैलकुलेट किया था, उससे वैल्यू लोअर आ रही है, कम आ रही है, इट मीन्स वेपर प्रेशर का वैल्यू कम हो जाएगा, दैट मीन्स ये नेगेटिव डेविएशन शो कर रही है। तो यहाँ पर सारी वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव डेविएशन की रिवर्स हो जाएगी। तो यहाँ डेल वी मिक्सिंग इज नेगेटिव, डेल एच मिक्सिंग इज नेगेटिव, पी ए इज लेस देन पी नॉट एक्स ए, पी बी इज लेस देन पी नॉट बी एक्स पी, पी टी इज ऑल्सो लेस देन पी नॉट एक्स ए एंड पी नॉट बी एक्स बी। इट मीन्स टोटल वेपर प्रेशर का वैल्यू राउल्ट के लॉ से जो वेपर प्रेशर हमने कैलकुलेट किया था, उसके कंपेरिजन में कम हो जाएगा। अब देखिए यदि हम बात करते हैं ए और बी सॉल्वेंट है, ए बी इंटरेक्शन जितने ज़्यादा होंगे, मीन्स ए बी उतने ही क्या होंगे, ज़्यादा क्लोज होंगे, इसमें क्या होगा, वेपर का फॉर्मेशन कम होगा। तो वेपर का फॉर्मेशन कम होता है तो वेपर प्रेशर का वैल्यू भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इट मीन्स सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन आर स्ट्रोंगर देन प्योर सॉल्यूट सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, दिस रिजल्ट इन द डिक्रीजिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन कम होगा तो वेपर प्रेशर का वैल्यू क्या होगा, ज्यादा होता है। लेकिन यहां हम बात करते हैं सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन ज्यादा होगा, स्ट्रोंगर होगा, तो वेपर का वैल्यू क्या होगा, कम होगा, इट मीन्स वेपर प्रेशर का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर है। अब बात करें एग्जाम्पल, एग्जाम्पल यहाँ पर वो लेंगे हम जहां सोल्यूट एंड सोल्वेंट दोनों में इंटरेक्शन होना चाहिए, जस्ट लाइक एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म, एसीटोन प्लस एनिलीन, वाटर प्लस HCl, वाटर प्लस HNO3। ओके, यहाँ देखिए एग्जाम्पल हमने ड्रॉ किया है,
दिस इज द क्लोरोफॉर्म, दिस इज द एसीटोन। या एसीटोन के ऑक्सीजन एंड क्लोरोफॉर्म के हाइड्रोजन में क्या हो रहा है? हाइड्रोजन बॉन्ड, दिस इज द हाइड्रोजन बॉन्ड। ओके, इससे मॉलिक्यूल में क्या होगा? एसोसिएशन होगा, तो मॉलिक्यूल में इंट्रैक्शन बढ़ जाएगा, अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। अट्रैक्शन बढ़ने से इसकी वेपर फेज में जाने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इट मीन्स वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? डिक्रीज। दैट मीन्स इट विल शो नेगेटिव डेविएशन। नाउ ग्राफ देखिएगा, उस ग्राफ को इस ग्राफ से कंपेयर कीजिए। वो जो ग्राफ था पहले कौन सा था? पॉजिटिव डेविएशन का। अब ग्राफ कौन सा है? नेगेटिव डेविएशन में। वहाँ जब वैल्यू हम बात कर रहे थे पहले, थोड़ा सा उसमें हमें ऐसा दिया था, वो क्या था? पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा था। यहाँ वेपर प्रेशर का वैल्यू थोड़ा सा कम हो रहा है, तो यहाँ क्या होगा? नेगेटिव डेविएशन होगा। इट मीन्स ये नेगेटिव डेविएशन को शो कर रहा है, वेपर प्रेशर का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है यहाँ पर। तो दिस इज फॉर द आइडियल सोल्यूशन, आइडियल सोल्यूशन, और दिस इज फॉर सॉलिड लाइन जो है वो नॉन आइडियल को शो कर रही है, और डॉटेड लाइन जो होगी वो आइडियल सोल्यूशन को शो कर रही है। तो आई थिंक क्लियर है व्हाट इज द मीन्स ऑफ पॉजिटिव डेविएशन एंड व्हाट इज द मीन्स ऑफ नेगेटिव डेविएशन। ओके, नाउ एक छोटा सा टॉपिक है एजियोट्रॉप्स। तो बहुत ईजी टॉपिक है, जो हमने डिस्कस किया था पॉजिटिव डेविएशन नेगेटिव डेविएशन, उसी से लिंक्ड ये टॉपिक है। देखिए, द बाइनरी लिक्विड मिक्सचर विच हैव द सेम कॉम्पोजिशन इन द लिक्विड एंड वेपर फेज एंड हैव कॉन्स्टेंट बॉइलिंग पॉइंट आर कॉल्ड इज द एजियोट्रॉप्स। मीन्स सपोज आपने सॉल्यूशन प्रिपेयर किया, ए और बी दो आपने कंपोनेंट लिए, ये यहाँ पर क्या है? लिक्विड फेज है, सॉल्यूशन फेज। ये यहाँ पर क्या है? वेपर फेज है, दिस इज द वेपर फेज। ये क्या है? सॉल्यूशन फेज। ओके, अब यदि इसमें सॉल्यूशन फेज में जो कंपोजिशन है ए बी का चेंज नहीं होगा, सेम कंपोजिशन होगा, वही किस में होगा? आपके वेपर फेज में होगा। जो कंपोजिशन इसमें सॉल्यूशन फेज में था वही कंपोजिशन इसका वेपर फेज में होगा, साथ में इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? कांस्टेंट होगा, नो चेंज इन द बॉइलिंग पॉइंट। दैट मीन्स दीज फॉर्म एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। ओके, अब देखिएगा, अब यहाँ पर कॉम्पोनेंट दो हैं, दोनों लिक्विड है, तो हम कह रहे हैं दोनों लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट सेम है, चेंज नहीं होगा। इट मीन्स आप इनको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि जब किसी भी दो कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट सेम होता है ना, तो आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में, जिसको हम कहते हैं आसवन की बात करते हैं, उससे सेपरेट नहीं कर सकते। उसमें क्या होता है कि यदि मान लो दो ऐसे कंपोनेंट जिनका हम बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है, डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे बॉयल होते हैं, उनको हम इस प्रोसेस से सेपरेट कर सकते हैं। जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है वो जल्दी से क्या होता है? सेपरेट हो जाता है, पहले निकल जाता है। जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है वो बाद में इसमें सेपरेट हो जाता रह जाता है। तो यहाँ ये सेपरेशन टेक्निक पॉसिबल नहीं है। अब दीज आर टू टाइप्स, फर्स्ट इज द मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, सेकेंड इज द मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। अब देखिए, सॉल्यूशन शोइंग द लार्ज डेविएशन, कौन सा वाला? पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द राउंड लो, दीज फॉर्म द मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। द सॉल्यूशन शोइंग ए लार्ज नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम द राउंड लो, दीज फॉर्म मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। इसको हम समझते हैं। देखिएगा, हमने सॉल्यूशन प्रिपेयर किया, ए और बी दो यहाँ पर कॉम्पोनेंट है। अब देखिए, सपोज यहाँ पर दोनों में इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा है, मीन्स स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है, तो वेपर क्या होगी? कम होगी। वेपर तो बनेगी, लेकिन यहाँ पर वेपर क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब देखिए, वेपर प्रेशर इसका कम है, और आप इसको वेपर प्रेशर इंक्रीज करना चाहते हो, या फिर इसका वेपर फॉर्म में इसको बढ़ाना चाहते हो, आपको क्या करना पड़ेगा? टेम्परेचर ज़्यादा देना पड़ेगा। जब टेम्परेचर आप ज़्यादा दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका बॉइलिंग पॉइंट का वैल्यू क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। तो इसको तो बोलते हैं हम मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। वापस बोल रहा हूँ, ए और बी दो कंपोनेंट है, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है। जब स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होंगे तो क्या होगा? वेपर का फॉर्मेशन कम होगा। जब वेपर का फॉर्मेशन कम होगा तो वेपर प्रेशर भी कम होगा, और जो वेपर प्रेशर का वैल्यू कम होता है तो उसको बोलते हैं नेगेटिव डेविएशन।
और जब वेपर प्रेशर का वैल्यू कम होता है और आप इसको वेपर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, वेपर पहले से कम बन रही है, वेपर ज़्यादा बनाना चाहते हैं, तो आपको टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा। और टेम्परेचर इंक्रीज किया मीन्स बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा यहाँ पर। ओके, दैट मीन्स दीज फॉर्म द मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। ओके, नाउ सेकेंड कैटेगरी, दिस इज द कंटेनर। आप इसके अंदर सॉल्यूशन प्रिपेयर कर रहे हैं ए और बी को मिक्स करके। अब देखिए, सपोज ए एंड बी में इंटरेक्शन क्या है, वीक है, मीन दोनों के बीच डिस्टेंस ज़्यादा है, तो यहाँ पर वेपर का फॉर्मेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। और जब वेपर का फॉर्मेशन ज़्यादा होगा तो इसका मतलब वेपर प्रेशर भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। ऑलरेडी यहाँ पर वेपर फेज में है, तो मीन्स आपको टेम्परेचर देना नहीं पड़ेगा। इट मीन्स ये लो टेम्परेचर पे भी क्या होता है, वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो इसको बोलते हैं लो बॉइलिंग पॉइंट वाले कंपाउंड, और इसी को हम बोलेंगे मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। ओके, अब आपको पता है यदि इंटरेक्शन कम होते हैं ए बी के बीच, आपको पता है, तो क्या होगा, वेपर ज़्यादा बनती है, इसका मतलब डेविएशन कौन सा होगा इसके अंदर, पॉजिटिव डेविएशन। कौन सा हो जाएगा, पॉजिटिव डेविएशन, यहाँ पेपर ब्रश से ज़्यादा हो जाएगा ना। और इसका मतलब ये हुआ कि जो राउल्ट के लॉ से पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं वो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप शो करते हैं। आई थिंक क्लियर है, इसको आप समझ सकते हो। अब देखिए, तो इसी टाइप से हमने एजियोट्रॉप्स का टॉपिक को कंप्लीट किया है। तो आज के हमने दो टॉपिक डिस्कस किए थे, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन एंड एजियोट्रॉप्स। इसी के साथ हम जब इसका नेक्स्ट पार्ट लेंगे, पार्ट फिफ्थ, उसमें हम बात करेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में। तो देखते रहिए केमिस्ट्री प्लस एकेडमी और एन्जॉय कीजिए केमिस्ट्री के साथ। थैंक यू सो मच।